अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी सीमाज लजीज फूड में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए उपवास स्पेशल साबुदाना खीर, जिसे हम बाकी दिनों में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है। जब भी आप ये खीर बनाए तो इसे आप गर्म तो खा ही सकते हो, बट इसे अगर फ्रिज में रख के आप ठंडी करके खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और बनाने से पहले मैं एक बात ये बता दूँ आपको, मैंने इसमें लौकी डाला है साबुदाने के साथ। आप चाहे तो लौकी को स्किप भी कर सकते हो, हटा सकते हो लौकी को, ओनली साबुदाने से बना सकते हो। तो चलिए इसकी सामग्री एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए सामग्री हमने किस तरीके से लिया है। मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। जब भी आप खीर बनाए तो पहले दूध को एक बार बॉईल कर ले, उसके बाद ही सारी सामग्री इसमें ऐड करें। तो देखिए सामग्री हमने क्या ली है। मैंने 50 ग्राम साबुदाना लिया था जिसे सुबह में भिगा के रख दिया था, और 5 से 6 घंटे के बाद ये इस तरीके से फूल गया है। इसी के साथ मैंने 100 ग्राम शुगर लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसे हम कट करेंगे खीर में डालने के लिए। और ये खोवा लिया है मैंने, 50 ग्राम से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारा सामान लिया है, और मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये लौकी। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो लौकी आप नहीं भी डाल सकते इसमें, ओनली आप साबुदाने से भी बना सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी बनेंगी। और मैंने ये 2 से 3 हरी इलायची लिया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दूध तो हमने बॉईल कर लिया है, बस मैं इलायची डाल दूंगी मैं इस तरीके से फ्लेवर आने के लिए, थोड़ा इलायची का छिलका निकाल कर। इसी के साथ हम इसमें साबुदाना ऐड कर देंगे, खोआ जो हमने लिया है मावा वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और ये ग्रेट की हुई लौकी जो हमने लिया है तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लौकी से इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा और एक्स्ट्रा फ्लेवर भी देंगी ये। इसको एक बॉईल आ जाए उसके बाद हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे, बस एक बॉईल आ जाए जब तक। तो देखिए इस तरीके से इसमें बॉईल आ गया है। बस बॉईल आने के बाद गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए, उसके बाद शुगर इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो शुगर की क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हो। शुगर डालने के बाद इसे 2 से 3 बॉईल आने दीजिए, क्योंकि साबुदाना हमारे पास बहुत ही अच्छे से भीगा था, बहुत अच्छे से फूल चुका था, तो हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। 2 से 3 बॉईल आने के बाद लौकी भी बहुत अच्छे से पक जाएंगी और साबुदाना भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। इसी के साथ मैं इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रखा है। बढ़िया मलाईदार और बहुत ही टेस्टी होंगी ये। बस इसे अच्छे से 5 मिनट तक किसी तरह से पकाए। तो 5 मिनट हम इसे पका लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसे हमने बॉईल किया है, 5 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था इसे, और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। साबुदाना भी इसमें बहुत अच्छे से पक चुका है, हल्का सा ग्रीनिश इसमें कलर आया है जो लौकी की वजह से आया है। तो चलिए अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी साबुदाने की खीर तैयार है आप लोगों के लिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है। इसका फ्लेवर बिल्कुल रबड़ी या मलाईदार टेस्ट है इसका, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही उम्दा होती है खाने में। तो चलिए अब मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।